हेलो फ्रेंड्स, मानस आपमन को स्वागत जनाऊँ टीचर चॉइस को। चलतु फ्रेंड्स, आम सुभद्रा पोर्टाल लाइव हो जाइए, ऑनलाइन रे आवेदन आरंभ हो जाइए। तो चलते कि भाव आवेदन करवा सी एस सी और महोत्सव केन्द्र ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो चलते आज भिडियो जाना। तो चैनल को नगर से सर्वतम आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो गूगल सर्च करूँ सुभद्रा डॉट ओडिशा डॉट जीओवी डॉट इन। यहाँ प्रथम जो लिंक आसार आम क्लिक करवा सुभद्रा योजना गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। यहाँ देखते ये आप पोर्टाली ओपन होपन हो सारापर ये आप अच्छी अधिकारी लॉगिन ये आम क्लिक करवा। यहाँ आप आसव सी एस सी लॉगिन यार आम क्लिक करवा सी एस सी लॉगिन। यहाँ पर आम आसव इनिशिएट लॉगिन तो यार आम क्लिक करवा। यहाँ पर आपंकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड देकि सी एस सी जनसेवा केन्द्र कैप्चा देकि ये आम साइन इन क्लिक करवा। तो देखो बर्तमान आम पोर्टाल लगइन होटार आप डेट शो करार अच्छे देखते लेफ्ट हैंड साइड्रे आप सी एस सी आई डी शो करार अच्छे देखते न्यू आप्लिकेसन सबमिटेड आप्लिकेसन केप्लिकेसन सबमिट हो शो कर। तो ये देखते आम डायरेक्ट न्यू आप्लिकेसन क्लिक करवा सबमिट न्यू आप्लिकेसन अदरवाइज ये प्लस न्यू आप्लिकेसन क्लिक करेंगे। तो क्लिक कर सारापर ये शो करू आप्लिकेसन भेरीफाई ई के वाई सी। तो जो आप्लिकेंट आप अप्लाई कर आधार कार्ड नंबर दे दिंतु पर आम ये सबमिट उपर क्लिक करवा। आप पोर्टाल चारि अर्थात 4 तारिख लाइव हो। तो चलतु बर्तमान किसी टाइमिंग नौ जेहेतु पोर्टाल नुआ लॉन्च हो। तो देखो आमर आधार कार्ड दे सारापर ये आप यूजर कंसेंट आसपर ये आम ये चेकबक्स पर क्लिक करना देन प्रोसीड टू वेरीफाई ई क्यूएस करवा। यार आप तीनोटी ऑप्शन आसो गोटे हूँ ओटीपी आउ गए फिंगरप्रिंट आउ गए आई रेटिना। तो आम ओटीपी दे करदे। तो स्टार्ट ई क्यूएस आम क्लिक करवा। तो फ्रेंड्स, तो ये आप मोबाइल गोटे ओटीपी जाए बर्तमान देखो एंटर आधार ओटीपी लिखुची। तो बर्तमान आप मोबाइल को ओटीपी आसी जाइए। तो बर्तमान देखो आम ओटीपी देदे। तो यहाँ आम वेरीफाई पर क्लिक करवा। ये तीन टा ऑप्शन अच्छे आप जहाँपरेंगे। तो आम ओटीपी थ्रो बर्तमान आम ई के वाई सी करदे देन वेरीफाई पर क्लिक करवा। तो यह आसो आपर ओटीपी बेस्ड ई क्यूएस हाज बीन कंप्लीटेड वी आर फेचिंग योर आप्लिकेसन डिटेल प्लीज वेट। तो आप आधार जो डाटा थी सब ऑटोमेटिकली फेचिंग आसीज। तो से आम किसी समय वेट करवा आसीज। तो देखो आमर बर्तमान आधार बेस सब डाटा पलि आसमती आम ये चूज करवा आउ कतटा फिलअप आम करा पड़ो जपरी केयर अफ्रे आप हजबैंड थे हजबैंड नाम देते अदरवाइज आप आधार कार्ड जहाँ थी फादर फादर नाम देते एवं फादर को ना यार देते टाइपिंग करवा जदि हजबैंड ना थो हजबैंड नाम टाइपिंग करवा आधार कार्ड देखिकी। आपठी डेट ऑफ बर्थ सहित आप एज भी शो कर एज हो दे आम सिलेक्ट कास्ट जनरल ओबीसी एससी एसटी। तो आम जहाँ भी थी आप जनरल ओबीसी चूज करने पे तो कास्ट बर्तमान चूज करदे। तापर डिफल्ट एड एबल डिफल्ट एबल जो आप थाए तो ये कर न करेंगे। तो यार आम जब आप डिजेबिलिटी किसी थी ये करवाज आम ये नो करदे। यहाँ पर आप आस मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार जो नंबर आप आधार पड़ी से नंबर दे दिंतु से फर्म फिलअप होते देख देदेव यार आपर अल्टरनेटिव नंबर देते जो कंपलसरी आपको देवा पड़ो। इट इज सेम आज आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो यहाँ को ये कर अदरवाइज न कर दिंतु। तुम इज द मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर आधार स्मार्टफोन। तो यहाँ आम ये करदे इज योर अल्टरनेट मोबाइल नंबर इज स्मार्टफोन ये करदे जी ये अल्टरनेट नंबर दे दूँ जो यहाँ मार दूसरी तो सेम नंबर पलि आस तेनाली छाड़दे 7888 जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर ना तो ये आम सेम नंबर देदे जा।
ତାପରେ ଆପଣ ରୁରାଲ କି ଅର୍ବାନ ଅଛି, ଏଟା ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ ରୁରାଲ ନେବେ, ଅଦରୱାଇଜ ଅର୍ବାନ ଦେଇଦେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି ବ୍ଲକ ଚୁଜ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଭିଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଲେଜ ଅନୁସାରେ। ତାର ଆଧାର ଲିଙ୍କଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆଧାର ଲିଙ୍କଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମ, ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଇଥିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଜ୍ କରିନେବା, ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ, ତ ଫାଇଲ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଲଟି ମୋର 500 600 KB ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ KB ଲେଖିନି, ତ 600 KBରେ ମୋର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସାରା ଆମର ଆବେଦନ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ସବୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚାଲିବା, ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଏଠାରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ତଳ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଫାଇନାଲ ସବମିଟ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଫର୍ମ ରିଚେକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ଲୋକେସନ୍ ମାଗୁଛି, ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମଟି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏଭଳି ଶୋ କରିବ, ଶୋ କରିବ, ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍କାନ୍ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ରହିଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ମ ପକାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ନମ୍ବରକୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।